स्वागत है आपका नई रिएक्शन वीडियो में। आज की जो रिएक्शन वीडियो होने वाली वो होने वाली केजीएफ चैप्टर 2 का जो लिरिकल सॉन्ग आया है फलक तू गरज तू, क्या बात, उसी ऊपर ये रिएक्शन होने वाला है। और ओरिजिनल वीडियो अगर आपको देखनी है तो आप एमआरडी म्यूजिक पे जाके देख सकते हैं। बिल्कुल, और 4 घंटे हो चुके हैं, प्रीमियर हुआ था ये सॉन्ग और उसके बाद ये अपलोड हुआ है। तो चलिए सुनते हैं पहले सॉन्ग, उसके ऊपर रिएक्शन भी देते हैं, बाकी की बात जो है वो बाद में करो। बिल्कुल डार्क थीम तावीज दिखाया गया है यार, चीज़ में थोड़े थोड़े से इसके अंदर डार्कनेस है। डार्कनेस तो है ही है, सबूत भी छोड़े हुए, प्रूफ भी छोड़े हुए जैसे, और देखना है इमोशनल करके जाएगी मूवी। फलक तो गरज तो बरस तो इमोशनल सॉन्ग है। हां, ये बचपन का बता रखा है कहीं यार, ऐसा तो नहीं है कि ये खुद भी इस माइंस में काम करती थी, मुझे कुछ ना कुछ कनेक्शन लगता है इसमें, और मजा आएगा देखने में लास्ट में जो भी होगा, हो सकता है गलत है लेकिन। हर चीज में डार्क थीम, बचपन से डार्क थीम बताया। सबको लेना साथ जोड़ के, सबको लेना साथ जोड़ के, आंधी और तूफान से बिड़े हौसले की कश्ती ना डूबे, हो गया इतिहास का ताज तू, होगा इतिहास का ताज तू, काफ़ी इमोशनल बनाई है यार, मज़ा आ जाता हर चीज़ इसमें। और बीजीएम तो पहले अच्छा था इसका, सामने फौज है क्या बात है, ये वाले जी बीजीएम है ना, इस बीजीएम का वास्तव में कुछ ना कुछ रीजन है, ये इमोशनल अटैचमेंट दर्शाता है सारा, और अभी तक ऐसी बीजीएम नहीं सुनी मैंने वास्तव में, जो माँ से इतना अटैच करते हैं किसी को, बिल्कुल परफेक्ट बीजीएम। केजीएफ चैप्टर 2 क्या बोला यार, पता नहीं मतलब सॉन्ग तो क्या कहें, वो इमोशनल है और सुनने में काफ़ी अच्छा है, मतलब हिंदी के अंदर भी लिरिक्स इतने अच्छे हैं कि पूछो मतलब आप, बिल्कुल परफेक्ट। हाँ, और कहीं पे भी यूँ नहीं लग रहा है कि जैसे जो इसकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसके अंदर कुछ अलग होगा और इसके अंदर अलग होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस तो आते हैं कि ओरिजिनल जो लैंग्वेज होती है वो तो ओरिजिनल ही होती है किसी सॉन्ग की, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा, मतलब जिस तरह से ट्रेलर में बताया गया है उसी तरह से इसके अंदर भी ब्लैक थीम है, हाँ, तो हर चीज़ इसकी ब्लैक बताई गई है। इसके जो किसी भी वीडियो या ट्रेलर सॉन्ग वगैरह उसके थंबनेल आ रहे हैं तो वो भी ब्लैक ही आ रहे हैं, और पूरे सॉन्ग के अंदर इसके अंदर तो एक डार्क थीम थी जो कोयले की और कोल्स की जो होती है ना, बिल्कुल थीम तो उस टाइप से थीम बताई गई है। और पहली बार माँ का इतना बड़ा एक सॉन्ग आया है, एक इतना रोल आया है जिसके अंदर वो है, और छोटे जो मतलब कि यश है तो वो जो उनका जो बचपना होगा तो उस वक्त का बताया हुआ है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है यार कि कुछ ना कुछ तो और थोड़ा सा जिस तरह से बताया गया है कि उनकी माँ के लिए वो पूरी गोल्ड मतलब पूरी दुनिया का गोल्ड लाना चाहते थे, लेकिन क्यों लाना चाहते थे, रीज़न क्या था, और भी मतलब एक बार फेस भी दिखाया गया है इनका, हो सकता है एक लेडी का फेस दिखाया गया है ट्रेलर के अंदर, तो मेरे हिसाब से वो यही है और काफ़ी कुछ जुड़ा हुआ है उस चीज़ के लिए। ये जो मतलब मूवी है वो लास्ट में मेरे हिसाब से तो हर इंसान को इमोशनल करके और फिर बाहर लाएगी, इसका जो एंड होगा ना इसमें इंसान ज़रूर इमोशनल होगा, क्यों, क्योंकि इसमें बताया गया है कि एक तो संजय दत्त जो रोल में है, इसके अलावा रवीना टंडन जो पीएम के रोल में है या आप पीएम के रोल में ही है वो, उनको मारने के लिए जाते हैं, और उस वक्त तो वो पहली बार मुझे गुस्से में दिखे,
जो यश है उस मूवी के अंदर पहली बार गुस्से में देखे, वरना वो मतलब कि दुश्मनों को इस तरह से मारते हैं बिल्कुल नॉर्मल से, वो क्या आराम से लड़े, फाइटिंग जो सीन जाते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल से आते हैं, उनके चेहरे पे एकदम एक्सप्रेशन वैसे वाले नहीं रहते हैं गुस्से वाले। लेकिन पहली बार जब वो संसद में जा रहे होते हैं तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन होते हैं गुस्से में होते हैं और खून लगा सा रहता है। और बहुत सारे, एक गूगल पर भी सर्च किया था, पढ़ा भी था इसके बारे में, तो ये कहा गया है कि इसके अंदर इनका एंड बताया जाएगा कि इसके अंदर वो मर गए, मतलब इसी मूवी के अंदर लास्ट में। तो पता नहीं है वो कहानी कहाँ मोड़ लाएगी, लेकिन जो मोड़ लेके आएगी ना वो वास्तव में KGF से अच्छा लेके आएगी और लोगों के वास्तव में मैं कह रहा हूँ दिलों के अंदर छा जाएगी ये मूवी जब भी आएगी, क्योंकि बहुत सारी मूवीज आती है अच्छी आती है लेकिन थोड़े टाइम बाद आप उसको भूल जाओगे। अगर आपको कह दे कि इसको डबल बार देखनी है या तीसरी बार देखनी है तो आप नहीं देख पाओगे, लेकिन कुछ मूवीज़ होती है जिसको आप हमेशा के लिए याद रखते हो तो वो एक इतिहास के पन्नों पर दर्ज होने वाली मूवी बन के जाएगी 100% और इमोशनल इतना करके जाएगी इंसानों को। हो सकता है गलत है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। कैसा लगा आप सबको ये सॉन्ग, कैसा लगा उसका रिएक्शन, कैसा लगा और ये जो कुछ भी बोला वो कैसा लगा? तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।